चुनाव प्रचार का एक प्रकार से शुरुआत हो गई है। कल तक नॉमिनेशन थे पूरे प्रदेश में, आज सब जगह की स्क्रूटनी प्राय प्राय हो गई है, कोई एक आध जगह बची हुई तो हो जाएगी। और आज का दिन मुझे भी लगा कि इस चुनाव प्रचार का प्रारंभ करने के लिए मुझे करनाल से शुरू करना चाहिए। तो आज यहाँ के जो व्यवस्था कर देखने वाले सब हमारे कार्यकर्ता हैं, प्रबंध व्यवस्था देखने वाले, उन्होंने जो जो कार्यक्रम तय किए हैं, लगभग सायंकाल तक मेरे 11 कार्यक्रम हैं, उसमें कुछ सभाएं हैं, कुछ चाय के कार्यक्रम हैं। और कल से विधिवत बाकी प्रदेश में हर दिन 5 से 6 विधानसभाओं मेरा जाना होगा, और जब कभी थोड़ा समय बीच में निकलेगा तो करनाल भी आना जाना रहेगा। वैसे करनाल के कार्यकर्ताओं ने मुझे निश्चिंत किया है, उन्होंने कहा कि आप पूरे प्रदेश में घूमिए, करनाल की जनता, करनाल के हमारे कार्यकर्ता, यहाँ के नेता और कुछ बाहर से भी यहाँ लोग आए हैं, वो सब करनाल के चुनाव को अपने आप देखेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि यहाँ लगभग 5,000 कार्यकर्ताओं ने एक ऐसा संकल्प लिया है, मैं हूँ मनोहर, तो उस नाते से वो यानी हर बूथ लेवल पर, बूथ से नीचे पन्ना प्रमुख लेवल पर भी काम करने के लिए आगे आएंगे। जो जो व्यवस्थाएं उनको दी गई हैं यहाँ कार्यकर्ताओं ने, वो सब उसको पूरा करेंगे और बहुत ही एक अच्छे प्रकार से व्यवस्थित कार्यक्रम करके अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस के और जेजेपी में जाने की आवाज़ आ रही है। देखिए, जिस प्रकार का कांग्रेस का हाल है वो हम सबको पहले पता है, उन्होंने जिस बात को लेकर के और वहाँ से इस्तीफा दिया है, ये कांग्रेस में कोई आज शुरू हुआ ऐसा नहीं है, ये हर बार ये इसी प्रकार से होता था। और कांग्रेस का तो बिना पैसों के खेल के कोई चीज़ होती नहीं थी। ये अलग बात है कि इस बार एक वहाँ के कितने यानी जिनको कहना चाहिए पूर्व में प्रेसिडेंट रहे और कुछ दिन पहले तक ही वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस प्रकार का लांछन लगाया और इस बात को मैं ये कहूँगा कि एक पर्दाफाश किया कांग्रेस के ऊपर से।